बॉलीवुड वाले इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं जाना चाहते मेरे पिक्चर देखने तो मत जाइए। तो लोगों ने बताया ना, मत जाइए तो क्या होता है, कर्मा ना लौट के आता है, समझा? तो घमंड नहीं करने का, कर्मा लौट के आता है। और कहीं ना कहीं अभी ना सुशांत सिंह राजपूत तांडव कर रहा है, ये समझ में आ रहा है अभी बॉलीवुड को। उनके औकात दिखा दिया सुशांत सिंह राजपूत ने। तो किसी को कभी कमज़ोर मत समझो, कभी किसी का टाइम बदल जाए ना मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए किसी को कमज़ोर मत समझो। मुझे भी कमज़ोर समझने की बहुत कोशिश की, आज उनका बाप है मैं जिसने कमज़ोर समझने की कोशिश की। ने यही मांगा कि बॉलीवुड वालों को ना सुध बुद्धि दे, अच्छा सोच दे, ये मांगा। और जो आज लोग तकलीफ में है ना, उनकी तकलीफ है, बप्पा जैसे आए ना वैसा लेके जावे। मेरा सौभाग्य है कि हर बप्पा के इधर मेरे को बुला के मेरे को दर्शन मिलता है ना, वो मेरा सौभाग्य है, समझा? तो केयूर भाई तो अपना क्या फैमिली है, जो मैं नए नए करके कुछ 5-6 साल हो गया मुझे, मैं आते रहता हूँ यहाँ पे दर्शन के लिए। तो बस बापा का ब्लेसिंग चाहिए मुझे, आप सबको ऊपर वाला खुश रखे, यही बोलूँगा ना, और क्या। उन्हें दो ना खर्चा, हाँ देने वाला भी वही है ना। अभी गए 3 साल जो कोरोना के वजह से जो तकलीफ थी, जहाँ पे हमारे मंदिर तक नहीं खुले थे, सब चीज़ बंद थी, तो आज वो आया है तो उसको भी खर्चा करना चाहिए ना, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कमाते किसके लिए, हाँ। और हमारा ये धर्म है जो हमारे माँ बाप को, बच्चों को कैसा माँ बाप छोटा से बड़ा बहुत खर्चा करके ये करके वो करके बड़ा करते हैं, तो वो भी तो हमारे माँ बाप है ना, उनके ऊपर खर्चा करने को डरने का क्या, फिर उन्हें दो ना खर्चा, देखा जाएगा। नहीं मैं बताता, मैं सोचता नहीं कुछ करने से पहला, मैं किसके बाप का खाता नहीं, ना किसी के बाप से डरता है। आज मैंने उनको बोलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे उन्होंने मेरे देश के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, मेरा तिरंगा जलाना छोड़ दिया, मेरे लोगों को बोलना छोड़ दिया। जब उन लोग ने मेरे देश के खिलाफ ये सब करना छोड़ दिया तो मैं किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए मेरे को नहीं अच्छा लगता है, तो बजा रहा हूँ मैं। मगर आप लोग को फुर्सत किधर, आप जाते हो उधर सर्दी हो गया तो पहुँच जाते हैं, मगर किसी के गरीब के झोपड़े में जाके नहीं पूछते आज घर में तुम्हारे आना चाहिए या नहीं, ये नहीं पूछेंगे तुम लोग। तुम लोग को उधर TRP मिलता है, इधर क्या गरीब के झोपड़े में मिलेगा, कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। तो तुम लोग भी बोलना सीखो, सच दिखाने का ताकत रखो ना, नहीं दिखा सकते तुम लोग भी क्या करेगा, तुम लोग काम करता है, तुम्हारे ऊपर जो बेटा है ना उसके लात मारो पिछवाड़े में और बोलो कि हम लोग ने आज जो करके लाया ना, ये बताओ ये असलियत है। अरे बहुत है ऐसे मेरी जैसे हिंदुस्तानी भाऊ आज इंडिया में बहुत है, उनको दिखाओ तो सही, आप नहीं दिखाते। आज कितने ऐसे एक्टर है, स्ट्रगलर है बेचारे, जो काम करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि हर साल बाहर बाहर से उन लोग बुलाते, उन लोग को दिखाओ, मगर आप लोग नहीं दिखाएंगे ना, आपको कुछ फायदा नहीं मिलता है उससे, तो आप लोग क्यों बताएंगे? सोशल मीडिया बहुत कुछ दिखाता है ना, बहुत कुछ दिखाता है। अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास कल अंधेरी के एक माँ आई थी, उसकी बेटी आई थी, उसकी फैमिली आई थी, जिसका अभी सरनेम कुछ राठौड़ क्या कुछ, तो एक बच्ची का अभी नायगांव में बॉडी मिला, उसको मार के पोटले में फेंक दिया। कोई नहीं गया आप लोगों का उधर पूछने के लिए या बताने के लिए कि आपके साथ क्या हो गया, अभी तक वो आरोपी नहीं मिले। मैंने कल बात किया नायगांव पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले पूरा सपोर्ट कर रहे, पूरा भागम दौड़ कर रहे, वो तो दिखाओ लोगों को क्या हो रहा है। आज साले ये रेप करते बच्चियों के साथ, कल ये छूट के आते, ये बताओ, ऐसा कानून बनाओ कि हमारे माँ बहने रोड पे नहीं पड़ी है, कि कोई भी साला ऐसा करेगा वो छूट के आता है, वापस किसी ना किसी कोई ना कोई लड़की शिकार होती है, वो भी बताओ ना, आवाज़ उठाओ ना। तुम लोग आज तुम्हारे वजह से दुनिया दिखती है ना, तुम लोग काम करो ना, ये आगे बढ़ो ना। आज देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शिव छत्रपति महाराज का आज सिंबल दिया ना, प्राउड फील करो, ये चीज़ बताओ, ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर है हमारा आज जो ये किया, इतना साल में किसी ने किया क्या? ये करने के लिए जिगर चाहिए, तो ऐसे लोगों को आगे करो ना, इन लोग को क्या है ये,
ये भिखारी साले अभी जो हम लोग के 25-50 रुपए के टिकट निकाल के इन लोग ने आज बंगले बनाया, गाड़ी लेके घूम रहे, उनको लोगों की कदर नहीं, उनके पीछे क्यों जा रहे तुम लोग? अरे द कश्मीर फाइल्स, जिन्होंने उसमें काम किया, जिन्होंने ये बनाया, उसके खिलाफ हो गया बॉलीवुड, क्योंकि सच बताया, तो सच बताता है तो बॉलीवुड को मिर्ची लगता है ना। ऐसा है और कैसे है, लोग भूल जाते हैं, इनको मालूम है ना, लोग भूल जाते हैं। मैं जो करता है ना वो जरा बताओ ना लोगों को, हाँ करता है वो बताओ ना लोगों को, कोई नहीं बताता आप लोग, वो बताओ ना। मैंने बच्चों के लिए किया, कितने मीडिया वालों ने नेगेटिव बताया मालूम, हाँ कितना मीडिया वालों ने नेगेटिव बताया। ये क्या मेरा स्वार्थ था जो मैं किया था, वो 24 दिन जेल काट के आया, मेरा मेरे को फ़ायदा था कुछ, मेरे फैमिली को तकलीफ दिया कुछ तक, मेरे को फ़ायदा था क्या? किसी ने बोला नहीं। अच्छा मैं देखा बहुत ऐसे न्यूज़ चैनल, 2-3 मेरे दिमाग में, जिस दिन मिलेगा ना उनकी भी बजाऊंगा मैं, हाँ कुत्ता बनाऊंगा, नहीं बनाया तो एक बाप की औलाद में, 2-3 मेरे दिमाग में भी है। लास्टली गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।